नमस्कार एवं स्वागत आप सभी मित्रों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज आपके लिए जो यूपी टेट का पेपर है और जो आज ही हुआ है 18 तारीख को, और ये अभी थोड़ी देर 4 घंटे पहले ही हुआ है, तो इसका एनालिसिस करेंगे हम आपके लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगामी सी टेट परीक्षा होने वाली है और यू टेट परीक्षा होने वाली है, उसमें इनसे बहुत काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से कॉपी होते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए आपके लिए ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो सी टेट या यू टेट का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और केवीएस के पेपर से भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। 150 क्वेश्चन है इसमें, 150 क्वेश्चनों की ये पेपर है, 150 क्वेश्चन का, और ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि पहला पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, तो यूपी टेट का, उत्तर प्रदेश टेट का पेपर है ये, तो इसका हम आज एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना ऑप्शन ए के एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति फुसफुस से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका वो हो जाएगा ऑप्शन टू सही हो जाएगा, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर दो है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए, इसका ऑप्शन ए सही होगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ठीक है, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से किसी भी नई भाषा को सीखना प्रारंभ करना किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन दो सही हो जाएगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र, ठीक है, समावेशी शिक्षा में शामिल होने चाहिए। प्रश्न नंबर चार है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो इसका ऑप्शन तीन सही हो जाएगा, गणना दोष। अगला है, पांचवा प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, तो ये है संवेदनशीलता, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदनशीलता का। प्रश्न नंबर छः है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दैहिक तत्व इसका संवेग का तत्व नहीं है। सातवें प्रश्न पे चलते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ज्ञान अवरोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और अंतिम में मूल्यांकन। ठीक है, जो सही क्रम है इसका, पहला होगा ज्ञान, दूसरा होगा अवबोध, तीसरा होगा अनुप्रयोग, चौथा होगा विश्लेषण, पांचवा होगा संश्लेषण और अंतिम होगा मूल्यांकन होता है, संश्लेषण विश्लेषण के बाद अंतिम में मूल्यांकन की क्रिया होती है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर नौवा है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है, वो दिया गया है हर्ज़बर्ग के द्वारा, इसका ऑप्शन तीन सही होगा। प्रश्न नंबर दसवां है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, तो ये है सामाजिक अंतःक्रिया का, ठीक है, के द्वारा संबंधित है ये अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। थोड़ा जल्दी में ये क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि 150 प्रश्न हैं और वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर हम पूरे जो ऑप्शन सहित इसको डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी में बताना पड़ रहा है, और मैं सिर्फ जो है आंसर को हाईलाइट कर रहा हूँ, कौन सा जो ऑप्शन का आंसर सही है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा किस प्रकार के आ रहे हैं, इसलिए वीडियो जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है क्योंकि वीडियो जो है अधिक लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए तैयारी और अर्जन वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तैयारी और अर्जन उपयोगी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दृश्य से अदृश्य की ओर, ये वाला ऑप्शन शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है, दृश्य से अदृश्य की ओर, और सारे ये शिक्षण सूत्र हैं।
तीसरा वाला शिक्षण सूत्र नहीं है। 13वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, योजना बनाना। ठीक है, इसका ऑप्शन तीसरा है, योजना बनाना। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन दो सही हो जाएगा, अनुप्रयोग। प्रश्न नंबर 15 है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, ठीक है, तो इसका ए और सी सही है, मतलब ए और सी इसका सही होगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, और सी है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो इसका ए ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 16वां प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, तो इसका है ऑप्शन तीसरा सही, ध्वनि संवेदना द्वारा। ठीक है, ध्वनि संवेदना द्वारा बालक उसको पुकारेगा, तो उसका हो जाएगा ध्वनि संवेदना द्वारा। ठीक है, 17वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, तो ये इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 2 से 7 साल। ठीक है, ऑप्शन तीसरा 2 से 7 साल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, तो ये है मास्लो, इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मैस्लो। ठीक है, अगला प्रश्न है, थोर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता है, थोर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिगम, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रायल एंड अधिगम, इसका आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रखी है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक है, अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20वें का। ठीक है, थोर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, तो अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग से। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था में अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, गिरोह अवस्था, ठीक है, गैंग, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता से। 22वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है, तो इस ये है मूर्त संक्रिया अवस्था, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 23वां प्रश्न है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन शामिल नहीं है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विषय वस्तु का स्वरूप। 24वां प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं, तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वतः शोध के, ठीक है, स्वतः शोध के ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के वर्ग वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा, तो ये कहा है एबिंग हास ने, इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एबिंग हास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। 2800 प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यवहार के सिद्धांत पर बल देता है। ठीक है, 2900 प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राचीन अनुबंध। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? प्राचीन अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 30वां है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हिंदी के पार्ट पे, हिंदी का पार्ट हम देखेंगे। 31वां प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो इसका ऑप्शन दो सही हो जाएगा, प्राग का। ठीक है, तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास कविता है मुक्तिबोध की, मुक्तिबोध की कविता है तुलसीदास। बहिष्कार का संधि विच्छेद आप सभी को पता होगा, बहिधन कार। ठीक है, 34वां प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, इनका उपनाम हरिओद है। 35वां प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग शब्द इनमें से होगा पहिया। ठीक है, और सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। 36वां प्रश्न है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो ये है अलंकरण। ठीक है, 37वां प्रश्न है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो ये हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए, ये हमारा जो है ये गद्यांश पर आधारित है, इसको पढ़ के इसको आंसर देना है। तो मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ इसके। ठीक है, तो इसका है पहले का संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन था अलंकरण, और 37वां प्रश्न है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो आप गद्यांश में उसके उत्तर ढूंढिएगा, मैं सीधे आपको उत्तर बताता हूँ। 37वां का दूसरा है अभ्यास। ठीक है, 38वां है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ये है यो व्यंजन, संयुक्त व्यंजन नहीं है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा मृत्युंजय पद में। प्रश्न नंबर 40वां है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो इसमें होगा अल का प्रयोग होगा अलंकार में। ठीक है, 41वां प्रश्न है, यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, तो रेखांकित शब्द है यह, तो यह में कौन सा पद है? ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष से एक वचन स्त्रीलिंग इसमें होगा। 42वें का होगा तीसरा आंसर सही। ठीक है, विश्लेषण शब्द का विलोम है संश्लेषण। 43वां प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दंत्य। ठीक है, दंत्य व्यंजन या दंत्य, ठीक है, दंत्य स्वर है, दंत्य व्यंजन कहते हैं उन, ठीक है, जिनको ऊपर के दांतों पर लगा करके जिनको उच्चारण होता है। 44वां प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन है श, श और श, जो तीन प्रकार के श हैं ये हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, जिनके हमारे ऊष्मा निकलती है पेट गले से। ठीक है, 45वां प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम क्या है? तो अत्यधिक का विलोम है अत्यअल्प। ठीक है, मतलब कम। 46वां प्रश्न है, रित का विलोम है? तो रित का है अनरित। ठीक है, 47वां प्रश्न है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए? तो संकल्प शब्द में उपसर्ग है सम का। 48वां प्रश्न है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा? तो इसमें होगा भाववाच्य। 49वां प्रश्न है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो ये है आंत का। ठीक है, आंत और अंत्र का, इसमें तद्भव और तत्सम का मेल गलत है और सब में सही है। 50वां प्रश्न है, लेखक और उसकी रचना कौन सा जोड़ा गलत है? तो है ये है स्कंदगुप्त की है लक्ष्मी नारायण मिश्र, स्कंदगुप्त है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये गलत है। ठीक है, 51वां प्रश्न पे चलते हैं, कवि और उसकी रचना का कौन सा मेल सही नहीं है? ठीक है, कवि और उसकी रचना का कौन सा मेल
सही नहीं है। तो यह है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सही नहीं है, इसका मेल ये सही नहीं है। 52वां प्रश्न है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, इसमें कौन सा युग्म गलत है जो उसकी इस लेखक के साथ उसकी कृति का समेल नहीं है? तो ये है ऑप्शन चार, दर्शन, दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल, ये गलत है। 53वां प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो विराम चिन्ह की दृष्टि से हाँ मेरा यही विचार है, ये वाला ऑप्शन गलत है, अशुद्ध है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ का प्रकृति है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ की प्रकृति है? तो ये है ऑप्शन चार, चौथा वाला ऑप्शन होगा अधुनातन का। ठीक है, अधुनातन की प्रकृति भिन्न है। ठीक है, 55वां का है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। तो अर्वाचीन का विलोम आपने पढ़ा होगा, प्राचीन होता है अर्वाचीन का विलोम। 56वां प्रश्न का है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये होगा ऑप्शन दो, बिरहणी। ठीक है, बिरहणी शब्द जो है वह है अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। 57वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा, सब्ज सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये वाला ऑप्शन गलत है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, मेरी भव भागा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन दूसरा सही, अन्योक्ति अलंकार। 59वां प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो ये होगा तत्पुरुष समास होगा गौशाला में। 60वां प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। अब इंग्लिश वाला पार्ट आता है आपका, तो इंग्लिश वाले पार्ट में ये आपको टिक करके दे रखे हैं आंसर, तो मैं इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो आप इसको वहाँ देख लीजिएगा। हम इंग्लिश वाले पार्ट को यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है, तो हम इसके अगला वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ से जो कॉपी कर सकते हैं, इसकी आंसर्स को यहाँ से देख सकते हैं। तो संस्कृत वाला पार्ट और इंग्लिश वाले पार्ट जो हम लैंग्वेज वाले पार्ट हैं इनको छोड़ दे रहे हैं, आप इनको यहाँ से इसका आंसर देख लीजिएगा। और जो मैथ वाला पार्ट है इसको इसका उत्तर हम अगले पार्ट में डालेंगे सॉल्व करके। ठीक है, और इसका उसका लिंक मैं यहाँ अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से देख लेना कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने ये आंसर इसको हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप यहाँ से इसके आंसर देख लीजिएगा जैसे भी होते हैं। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ देख के इसके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ वाला पार्ट और इंग्लिश हिंदी वाला पार्ट हम छोड़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी पे चलते हैं। 121वें क्वेश्चन पे सिर्फ सीधे शुरू करते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ये होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति से पौधे हरे होते हैं। 122वां प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो ये हैं उपर्युक्त सभी जो हैं जिम्मेदार हैं। ठीक है, उपर्युक्त सभी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यूफोरबियेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए की जाती है? तो ये है जेट्रोफा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, सही हो जाएगा जेट्रोफा। ठीक है, 124वां प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओशियम सेक्टम है, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये है तुलसी का पौधा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुलसी का पौधा। ठीक है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है ओसियम सेक्टम। 125वां क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पीने योग्य पानी। 126वां प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी मिक के कारण, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, इसको मिक भी कहते हैं, MIC। ठीक है, मिक करके याद रखिएगा इसको, मिथाइल आइसोसाइनाइट। 127वां प्रश्न में चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वही मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को। 128वां प्रश्न है, MS स्वामीनाथन एक क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक। 129वां प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WIAI, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, 130वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ये सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, 31वां प्रश्न है, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रसायन भक्षी का। ठीक है, 132वां प्रश्न है, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन दो सही हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा। 133वां प्रश्न पे चलते हैं, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, इसका ऑप्शन दो सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। 134वें प्रश्न पे चलते हैं, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? उपयुक्त सभी स्थानों पर। ठीक है, 135वां प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, पारा खाने से मिनी माता, जो जो मछली पारा खाती है उसको खाने से मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है, 136वां प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ये हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। 137वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हमारे हीरा लाल जे कानिया जी। ठीक है, हीरा लाल जे कानिया। 138वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है, तो इसको भी ध्यान ध्यान से देख लीजिएगा। तो रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त के करीब जीव, जो जीव विलुप्त के कगार पर होते हैं, रेड डाटा बुक में उनका विवरण होता है। ठीक है, 139वां प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो ये हैं रेखा शर्मा जी। ठीक है, महिला आयोग की अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा जी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 141वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये हैं किस भाग में दिए गए हैं? चौथे भाग में। ठीक है, 11वें भाग में, सॉरी, थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो रहा है, तो सॉरी, इस बार एक बार फिर देख लेते हैं इस प्रश्न को। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन दो सही हो जाएगा। ठीक है, 9वें भाग में इसका सही हो जाएगा। 142वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, 143वां प्रश्न है, किस गैस के वर्षा में के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन। 148वां प्रश्न है, 145वां प्रश्न है, सॉरी, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग। 146वां प्रश्न पे चलते हैं, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रश्न काल। ठीक है, प्रथम घंटे की कार्यवाही को कहा जाता है प्रश्न काल। 147वां प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण है वर्षा के जल का जमाव और भंडारण, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 148वां प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में है, वहाँ संरक्षित है भारतीय गैंडा। 149वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में नहीं है, सही है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। प्रश्न नंबर 50वां है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस लगातार वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक उपस्थित है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और जो यूपी टेट 2 का पेपर है उसको हम कल एनालाइज करेंगे, और आप हमारे इसी लिंक पर इसको देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आप इस पेपर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।